राष्ट्रीय शेयर बाजाराच्या निफ्टीनं आज मोठी वाढ नोंदवत पहिल्यांदाच 25,000 टप्पा पार केला। मुंबई शेअर बाजारानंही 126 अंकांची वाढ नोंदवत 81,868 अंकांचा टप्पा गाठला। निफ्टीच्या आजच्या विक्रमी वाढीमध्ये 209 कंपन्यांनी 52 आठवड्यातला उच्चांक गाठला। शेअर बाजारामध्ये 30 पैकी 15 कंपन्यांनी आज नफा नोंदवला। निफ्टीनं 25,000 टप्पा गाठल्याबद्दल आज मुंबईच्या राष्ट्रीय शेअर बाजार कार्यालयामध्ये विशेष कार्यक्रम झाला। एनएससीचे कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार यांनी या विक्रमाबद्दल दूरदर्शनला प्रतिक्रिया दिली। आज करीब 28 साल के बाद 25,000 तक पहुंचा है, तो और आप डिविडेंड वगैरह लेते हो तो करीब 28-30 हजार के करीब नंबर पहुंचे। तो आपने 1,000 रुपया उस समय स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता निफ्टी कंपनियों में, तो आज आपको 25 से 28 हजार रुपया मिला होता। तो बहुत बड़ा एक तरह से बदलाव आया है, बड़ा रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को, और ऐसा रिटर्न दूसरे विश्व के कोई भी इंडेक्स में नहीं मिला। सिर्फ जो S&P 500 जो अमेरिका का सूचकांक है उससे भी कई अच्छा प्रदर्शन हमने डॉलर टर्म्स में भी किया है, और वही दर्शाता कि आज पिछले 30 साल में भारत ने बहुत प्रगति की है, उसका ही ये परिणाम है। लेकिन लोगों की जो आशा है, अपेक्षा है कि भारत और अच्छा करेगा अगले 30 साल में, उसके ऊपर ये जो सूचकांक आज पहुंचा है कि भारत की आगे की जो प्रगति कैसी होगी वो एक तरह से ये दर्शाता है।